सब्सक्राइब कर दे होमो चैनल ला, लाइक करना सब्सक्राइब करना। हां बिल्कुल लाइक करिए। अरे सर जा रहे हैं एक और दिन की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएसके ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग बिलासपुर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल और अपनी गाड़ी में हवा भरवा रहे हैं। हम लोग यहां से निकल रहे हैं दोस्तों सिरी नारायण। आज है रामनवमी, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई। तो गाइस मैं आज जा रहा हूँ सिरी नारायण, देखते हैं वहाँ आज क्या फंक्शन होने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी इस ब्लॉग में बने रहेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं, पीछे गाड़ी से ना वैसे चला से किया ना। फंक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, फंक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, आगे है। चल ना अभी नहीं जा रहा, फंक्शन यहीं हो रहा है। अगर टाइम जैसा मतलब ही तू चल ना आता हूँ वहाँ से, वो छूट जाएगा ना तो फिर नया नया चीज़ दिखा है, ये नया बना भाई। आइए वो किस तरह को, मेरा कैमरा तो चालू है ना भाई? हाँ चालू है ना भाई पूरा। कितने समय आ रहे हैं? चलो वहीं मोड़ ना गाड़ी पर, ये सर लोग से पूछ लेते हैं। पूछ ले पूछ ले, जा नहीं रहे सर, पूछ ही रहे, जा नहीं रहे हम लोग। 3 hours later. तो दोस्तों यह सिरी नारायण और राम वनगमन पथ का उद्घाटन किया जा रहा है सिरी नारायण में, और आप भीड़ देख सकते हैं। सबरी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो भाई सिरी नारायण और आज हो रहा है यहाँ राम वनगमन पथ की शुरुआत, और हम लोग आए हैं बिलासपुर से, और इतना भव्य है आप देख सकते हैं, पूरा लाइट गाड़ी, बहुत लोग आए हैं छत्तीसगढ़ से, देश विदेश से, कई राज्यों से आए हैं। फाइनली हम लोग सिरी नारायण पहुंच चुके हैं। आज दिन भर इतना ज़्यादा हेक्टिक रहा हमारा शेड्यूल, मत ही पूछिए। आज है दोस्तों चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन और श्री राम जी का जन्म दिवस है आज रामनवमी। तो आप सभी देख सकते हैं ये है सिरी नारायण का द फेमस मेला, जिसे देख लें हम लोग बिलासपुर से आए हुए हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग गए थे अभी विरोधपुरी जैत पंप। सुबह दोस्तों हम लोग 11 बजे निकले थे बिलासपुर से और अभी शाम के बज रहे हैं 7। 7 बजे मैं पहुंचा हूं सिरी नारायण मेला में, आप सभी देख सकते हो। अरे तो गाइस प्लानिंग कुछ और था और दिन भर में प्लानिंग कुछ और हो गया। आप सभी देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आप सभी को मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पे। तो गाइस ये यहाँ का मेला बहुत ज़्यादा क्राउड है, देख ही सकते हो।
क्या ही बताएं आप लोगों को। बाकी 2 साल के अंतराल के बाद ये जो कोरोना पीरियड यहाँ का गुजरा है, लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिला है दोस्तों। आप सभी देख सकते हो, सब अपना दुख तकलीफ भूल के मेला का मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस आप सभी देख सकते हो, ओए अमित वो मत हो जाना भाई। तो गाइस फाइनली आप सभी का स्वागत है सूर्य नारायण मेला में, और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। इवन दो बहुत सारे जो सरकार की योजनाएं हैं उसका भी डिस्प्ले लगा हुआ है यहाँ पे। और मेरा जो फ्रेंड है अमित वो खो चुका है। अच्छा वो रहा, तुझे ढूंढ रहा हूँ भाई। हाँ उल्टा भाई, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा है नज़ारा, फाइनली यहाँ पहुँच के फ्रूटफुल लग रहा है। सुबह से निकले हुए हम लोग 11 बजे, और बहुत सारे जो लोकेशन है उसको कवर करने के बाद लगभग 7 बजे हम लोग पहुँचे हैं सूर्य नारायण वापस से। अभी तक हम लोगों ने यहाँ का जो मंदिर है फेमस मंदिर उसे कवर नहीं किया है, कवर करूँगा, टेंशन मत लीजिए। फुल हर चीज़ को कवर करने के बाद हम लोग रात में निकलेंगे यहाँ से बिलासपुर। गाइस जो उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। भैया चीफ मिनिस्टर साहब आके चले गए हैं, मुख्यमंत्री। तो गाइस हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग लेट हो चुके हैं। तो गाइस स्टेज तक पहुँचना नामुमकिन है। पुरस्कार वितरण किया जा रहा है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। पिछले 3 दिनों से इन मंडलियों के लगभग 25 से 27 दिनों से ये मंडली आई हुई थी, जिसके 350 कलाकार हमारे बीच रहे। 3 दिन इन्होंने प्रस्तुतियाँ दी, और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा इन प्रथम द्वितीय और तृतीय विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सूर्य नारायण ये हमारा धार्मिक आध्यात्मिक व्यापारिक आदिकाल से केंद्र रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी से निकलते हैं और पूरा कश्मीर तक के जाते हैं। तो गाइस अभी माननीय मुख्यमंत्री का सबको बता रहा हूँ संबोधन चल रहा है। हमारे महापुरुष हुए हमारे इस पावन धरा जो भगवान अवतरित हुए उन्होंने समाज को जोड़ने का काम। आशा करता हूँ गाइस आप सभी को विभिन्न वर्गों को जोड़ने का काम आज के डेट में बने सब अच्छे लगे होंगे। आदरणीय साथियों सपोर्ट करते रहिए, लेकिन दुर्भाग्य आज क्या हो रहा वीडियो जिस भगवान राम की तस्वीर देखते हुए हमारे अंदर A few moments later. Thank you.
भाई के साथ। कह रहे हैं आदि योगी श्री राम जन की बैठे हैं मेरे सीने में। चित्रोत्पला सलीला के तट पर हम सब सूर्य नारायण नगरवासियों सेवा संस्थान के सदस्यों के द्वारा आज की आरती सुसंपन्न की जा रही है। अब हमारा आरती का क्रम प्रारंभ होगा। मैं संक्षिप्त में आप सभी को इसका क्रम बता दूं और आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि आप इस आरती के क्रम में हमें सहयोग प्रदान करेंगे ताकि हम इस आरती में भगवान की आराधना के साथ साथ आप सभी के सहयोग के साथ इस आज के आरती को बहुत अच्छे ढंग से संपादित कर सकें। मैं सबसे पहले अभी हमारा छोटा आरती वरुण आरती हुई है, इसके बाद स्वस्ति वाचन होगा, पुष्प अर्पण होगा, चमर आरती होगी, धूप आरती होगी, उसके बाद शंखनाद होगा, कपूर की आरती होगी, वस्त्र आरती होगी, तत्पश्चात महाआरती होगा। इस महाआरती में हम आप सभी का सहयोग चाहेंगे अपने स्थान पर खड़े होकर, तब आप करतल ध्वनि के साथ में इस आरती में सम्मिलित होंगे। मैं सम्मानीय वृद्धजनों से आग्रह करता हूं कि वे स्वस्ति वाचन और हमारा आज का आरती का क्रम प्रारंभ करें। फाइनली हमारे जो मोबाइल है उसका बैटरी डाउन हो चुका है और रात का हो चुका है 9। तो गाइस आधे आरती में ही हम लोग बिलासपुर वापस जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप सभी को पसंद आया होगा। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।
लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं गाइस, अभी 80 किलोमीटर वापस जाना है, रात के 9 बज रहा है बिलासपुर। इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, टिल देन हास्ता ला विस्ता, बाय बाय दोस्तों। तो गाइस फाइनली हम लोग शिवरी नारायण से वापस बिलासपुर की ओर जाते हुए, फाइनली जितना यहाँ शूट का काम था वो शूट हो चुका है। आप लोग कल इसे 11 तारीख को मेरे चैनल में देख पाएंगे, जितने भी वीडियोस मैंने शूट किए हैं यहाँ के। लेना का सब्सक्राइब कर दे मोर चैनल ला, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ बिल्कुल लाइक करिए। अरे सर।